करते हैं, आइए देखते हैं क्राइम से खबरें। कमरे में बंद कर गर्भवती देवरानी की निर्मम हत्या, आरोपी जेठानी ने भी खुद को मारा चाकू। डाके थाना रकाबगंज क्षेत्र में गुरुवार को उस वक्त सनसनी फैल गई जहां एक महिला ने अपनी गर्भवती देवरानी की हत्या कर दी है। इसके बाद उसने खुद को भी चाकू से मारा। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना थाना इकाबगंज के मोहल्ला मोनपुरा की है। बताया जा रहा है कि शालिनी पत्नी निशांत का देवरानी दुर्गेश पत्नी प्रशांत से विवाद हुआ था। गुरुवार दोपहर को शालिनी ने 8 माह की गर्भवती दुर्गेश को कमरे में बंद कर लिया था, जिसके बाद चाकू से गला रेत कर उसकी हत्या कर दी थी। वारदात को अंजाम देने के बाद शालिनी ने अपने पेट में भी चाकू मार दिया। जानकारी होने पर परिवार में चीख पुकार मच गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी महिला को घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि शालिनी ने अपने देवरानी दुर्गेश को बेड पर पटक दिया, जिसके बाद उस गला काट कर गर्भवती होने के कारण दुर्गेश अपना बचाव नहीं कर सकी। दोनों में किस बात को लेकर विवाद हुआ था अभी तक पता नहीं चल सका है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। यूपी में पेट से लटके मिले 2 लड़कियां के शव, पुलिस कार्रवाई के लिए कर रही है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट की मऊ तहसील में 2 लड़कियों के शव पेट से लटके मिलने पर हड़कंप मच गया है। पुलिस घटना को लेकर अभी कुछ साफ जवाब नहीं दे पा रही है। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना को लेकर अभी भी यह जानकारी नहीं मिल पाई है कि लड़कियों ने आत्महत्या की है या उनकी हत्या की गई। MNS News Live की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए